हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूआईएस एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम हार्डवेयर के बारे में चर्चा करेंगे। हार्डवेयर क्या है ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हार्डवेयर ऐसे उपकरणों को कहा जाता है, ऐसे मशीनों को कहा जाता है जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, लेकिन हार्डवेयर जो है वह स्वतः काम नहीं करता। हार्डवेयर को चलाने के लिए हमेशा सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। मतलब हार्डवेयर कैसे मशीन है, तो हार्डवेयर ऐसे उपकरण है, हार्डवेयर के बारे में आज हमें पढ़ना है। हार्डवेयर ऐसे उपकरण है जिसे हम देख सकते हैं आंखों से, हाथों से हम छू सकते हैं, लेकिन हार्डवेयर स्वतः कार्य नहीं करता। इसका मतलब अपने आप काम नहीं करता कोई भी हार्डवेयर। हार्डवेयर को चलाने के लिए हमेशा सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए इसको कि हार्डवेयर स्वतः काम नहीं करता है, इसको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो याद रखेंगे हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर को हम जो है दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक है इनपुट डिवाइस और एक आउटपुट डिवाइस। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे इनपुट डिवाइस मतलब हम सीधा हमारे दिमाग में, अब तक अगर आप कंप्यूटर क्लास देख रहे हैं, पिछला वीडियो भी आपने देखा है, तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि इनपुट डिवाइस के लिए मैं सीधा किसको लेता हूं, कीबोर्ड को ले लेता हूं, है ना, कीबोर्ड और माउस को। ये है अपना माउस। ये दोनों किससे कनेक्ट हैं, तो ये दोनों कनेक्ट हैं सीपीयू से। तो ये हो गया इनपुट डिवाइस। अब समझना आपकी इनपुट डिवाइस कैसा हार्डवेयर है। इनपुट डिवाइस ऐसे उपकरण होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे आपने कुछ भी इनपुट दिया कीबोर्ड से, आपने आरएम लिखा, आपने मोहन लिख दिया कीबोर्ड से, 2×2 लिख दिया, आपने 4×4 लिख दिया, तो आर ए एम लिखा, ये आपके समझने वाली भाषा है, ये हमारे समझने वाली भाषा है। तो मनुष्य के जो समझने वाली भाषा है, जैसे आर ए एम हमको समझ में आता है, हम कीबोर्ड में देख के तुरंत लिख सकते हैं, लेकिन ये जो इनपुट डिवाइस है वो क्या करता है, तो हमारे समझने वाली भाषा जो हम समझ रहे हैं उस डेटा को सीपीयू तक पहुंचाता है। लेकिन यहां पर एक चीज समझने वाला बात है कि सीपीयू सिर्फ बाइनरी कोड को समझता है। सीपीयू किसको समझता है, सिर्फ बाइनरी कोड। और बाइनरी कोड क्या होता है, 0 या 1 होता है, 0 1 या ऑन ऑफ होता है। तो इनपुट क्या करता है समझना, इनपुट जो डेटा हम देते हैं, जैसे आर ए एम लिखा हमने, एम ओ एच ए एन लिखा, इसको क्या करता है बाइनरी कोड में बदलकर सीपीयू तक पहुंचाता है। याद रखना इनपुट डिवाइस ऐसे उपकरण होते हैं जो हमारे दिए गए डाटा या निर्देश को बाइनरी कोड में बदलकर सीपीयू तक पहुंचाते हैं। बाइनरी कोड याद रखना, सीपीयू बाइनरी कोड को ही समझता है। इसलिए इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे द्वारा दिया गया जो डेटा और निर्देश है जो हमको समझ में आता है उसको किस में बदल देता है, बाइनरी कोड में बदल देता है। बाइनरी कोड 0 1 होता है या तो ऑन ऑफ से दर्शाया जाता है। तो इसमें बदलकर कहां पहुंचा देता है, सीपीयू। तो इनपुट डिवाइस आपको समझ में आ गया कि इनपुट डिवाइस का काम क्या है। इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस को कहा जाता है जो मनुष्य द्वारा दिए गए डेटा या निर्देश को बाइनरी कोड में बदलकर सीपीयू तक पहुंचाता है। इसका काम सिर्फ इतना ही है, क्योंकि प्रोसेस करने का काम तो सीपीयू का है, क्योंकि प्रोसेस उस पर सीपीयू करेगा। 2×2 = 4 होता है, 4×4 = 8 होता है, ये प्रोसेस करके सीपीयू बताएगा। इनपुट डिवाइस का काम क्या है, सिर्फ डेटा या निर्देश को पहुंचाना, लेकिन कैसे, बाइनरी कोड में बदलकर, क्योंकि सीपीयू जो है बाइनरी कोड को ही समझता है। क्लियर, ये इनपुट डिवाइस है। अब समझते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो अगला हमारा जो है वो है आउटपुट डिवाइस। दो भागों में हमको बांट कर पढ़ना है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस हमको समझ में आ गया, आउटपुट डिवाइस हमको समझ में आ गया। देखो आउटपुट डिवाइस जो है इसके लिए हम सीपीयू से एक मॉनिटर जोड़ देते हैं। यहां पर एक मॉनिटर लगा हुआ है मान लेते हैं, है ना। अब समझना कंप्यूटर की गति इतनी तेज होती है कि आप जो इनपुट देते हो तुरंत प्रोसेस होकर आपको मॉनिटर पर दिख जाता है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। आपने आर ए एम लिखा, इनपुट डिवाइस ने क्या किया, उसको बाइनरी कोड करके सीपीयू तक भेज दिया, सीपीयू ने प्रोसेस करके आउटपुट डिवाइस को दे दिया, और आउटपुट डिवाइस ने मॉनिटर पर क्या दिखा दिया, आर ए एम दिखा दिया। इसका मतलब जैसे इनपुट डिवाइस क्या करता है, हमारे डेटा या निर्देश को बाइनरी कोड में बदलकर सीपीयू तक पहुंचाता है, सीपीयू उसी बाइनरी कोड को आउटपुट डिवाइस को दे देता है, और आउटपुट डिवाइस क्या करता है, उस बाइनरी कोड को हमारे समझने वाली भाषा में, मनुष्य के समझने वाली भाषा में डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, जैसे 2×2 जो है हमने इनपुट दिया, यहां पर कीबोर्ड में न्यूमेरिक भी होते हैं, तो 2×2 हमने लिखा, तो 2×2 को बाइनरी कोड में बदलकर इनपुट डिवाइस कहां भेज देगा, सीपीयू में। सीपीयू में प्रोसेस होगा, 2×2 क्या हो जाएगा, 4। 4 को क्या करेगा, सीपीयू जो है बाइनरी कोड में ही आउटपुट डिवाइस को दे देगा। आउटपुट डिवाइस बाइनरी कोड में ले रहा है उस चीज को, उसको हमारे समझने वाली भाषा हमको क्या समझ में आएगा, जब यहां पर 4 लिखा होगा।
तो आउटपुट डिवाइस क्या कर रहा है, बाइनरी कोड से हमारे समझने वाली भाषा में बदल रहा है और इनपुट हमारे समझने वाली भाषा को बाइनरी कोड में बदलकर सीपीयू को दे रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब की इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस डाटा देना, आउटपुट डिवाइस डाटा हमको दिखाना, रिजल्ट हमको दिखाना, है ना, रिजल्ट हमको देना। तो इस तरह से इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस होता है। हार्डवेयर को दो भागों में बांटकर हम, पहले हम दो भागों में ही बांटकर पढ़ेंगे, इनपुट और आउटपुट। ये समझ आ जाएगा तब हम मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट में जाएंगे। तो ये हो गया इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस। अब कुछ महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइसों को देखते हैं। जैसे इनपुट डिवाइस को दो भागों में बांटा जाता है, ह्यूमन डेटा एंट्री सोर्स के हिसाब से, डिवाइस के हिसाब से, और सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस के हिसाब से। ये दोनों क्या है, ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइस का मतलब है जब मनुष्य कोई डेटा डालता है जैसे कीबोर्ड और माउस के माध्यम से, ये ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइस होगा। इसमें कीबोर्ड आता है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस में, पॉइंट मतलब जिसमें पॉइंट देखे कुछ बनाना हो तो वो है माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, है ना। ये सब क्या होता है मैं अभी बताऊंगा। पिक डिवाइस क्या होता है, तो पिक डिवाइस इसको उठा सकते हैं, जैसे ये मार्कर है तो ये मार्कर से हम इसमें लिख रहे हैं। लेकिन लाइट पेन क्या होता है, जैसे इसी में कोई लाइट लगा दिया जाए और लाइट के माध्यम से दूर से लिख लिया जाए तो ये लाइट पेन हो जाएगा। वैसे टच स्क्रीन, तो टच स्क्रीन में जो भी टच करते हैं तो इनपुट मिल जाता है, मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो तो वो काम करने लगता है, तो टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस में आता है। तो ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइस के हिसाब से कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, इतना आते हैं। वैसे सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस में ऑडियो इनपुट डिवाइस में माइक्रोफोन, जैसे ये आपको दिख रहा है हमने माइक्रोफोन लगाया, आप माइक देखते होंगे, है ना, जैसे आप पार्टी वार्टी में जाते हैं तो लोग माइक से, इस तरह से माइक रहता है, माइक से बोलते हैं, वो माइक, ये सब माइक्रोफोन कहलाता है। साउंड कार्ड क्या होता है, तो साउंड कार्ड भी इसी तरह एक कार्ड होता है जिससे क्या होता है, इनपुट के रूप में साउंड निकलता है। वैसे स्पीच रिकॉग्निशन ये भी एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है। इसमें से कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप गूगल में इसका नाम लिखकर देख सकते हैं कि वो कैसा दिखता है, क्योंकि देखने से समझ में आएगा कि वो दिखता कैसा है ना। उसके बाद वीडियो इनपुट डिवाइस में हम वीडियो कैमरा, डिजिटल कैमरा, आज देखते हो आप मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो उसके सामने में जो कैमरा लगा होता है या तो वो वीडियो कैमरा है या तो डिजिटल कैमरा है, तो उस कैमरे के माध्यम से वो पिक्चर्स को लेता है और कंप्यूटर तक पहुंचाता है, तो इसलिए कैमरा भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। वैसे ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस में बहुत सारे आएंगे, स्कैनर, जैसे हम कोई भी दुकान जाते हैं प्रिंट वाले दुकान, वहां हम कुछ स्कैन कराते हैं, तो स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है क्योंकि वो स्कैन करके कंप्यूटर तक भेजता है उसको। वैसे ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, है ना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ओसीआर का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका मतलब यह है कि आप कोई भी चीज हिंदी में, मान लो यहां पे हमने मोहन लिख दिया, कोई भी चालान काटा हमने, 200 रुपए का चालान काट दिया, इस चीज को रीड करने का काम ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का है, कैरेक्टर को रीड करता है ये, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, ध्यान देंगे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, याद रखेंगे MIC का R का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये क्या करता है, तो ये बैंकों में देखा होगा आप चेक बुक जो होता है, तो चेक बुक में देखना मोटा मोटा लिखा होता है, कुछ उभरा हुआ लिखा होता है, तो जो उभरा हुआ अक्षर रहता है उसको समझने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसीलिए बैंकों में मुख्य रूप से MICR का प्रयोग किया जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। OMR, तो देखो भाई आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब आप किसी ना किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे होगे, और एग्जाम का तैयारी कर रहे हो मतलब आप एग्जाम दिलाए भी होंगे, तो आप जब एग्जाम दिलाने जाते हो तो आप OMR सीट भरते हो, है ना, OMR सीट भरते हो, चार गोला होता है एक भरना होता है, ठीक है। तो OMR उत्तर पुस्तिकाएं जो है, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को चेक करने के लिए OMR का प्रयोग किया जाता है। OMR क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। वैसे बार कोड रीडर, तो बार कोड रीडर क्या चीज है, देखो जैसे आप क्या करते हो किसी भी दुकान गए सुपरमार्केट, तो कुछ ना कुछ बार कोड बना होता है, जैसे कैसा बार कोड बना होता है, तो ऐसे ब्लैक ब्लैक लाइन होता है बहुत सारा, है ना, किसी भी वस्तु कोई भी सामान आप खरीदो उसमें ब्लैक ब्लैक लाइन होता है, उसमें क्या करते हैं एक मशीन रूबी लेजर के माध्यम से ऐसे रीड करते हैं, रेड कलर का लाइट निकलता है, ध्यान दिया आप, उससे क्या होता है रीड हो जाता है, उसी मशीन को बार कोड रीडर कहा जाता है, ठीक है। तो वो भी एक इनपुट डिवाइस है जो क्या कर रहा है, रीड करके कंप्यूटर को बता दे रहा है कि वो वस्तु का मूल्य कितना है और वो वस्तु क्या है। वैसे ही पंच कार्ड रीडर, तो ये बहुत आसान है, ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं बताया था जब कंप्यूटर शुरुआती दौर पे था, बनना स्टार्ट हुआ था कंप्यूटर, तब मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का प्रयोग होता था, जैसे आज मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी डिस्क,
पेन ड्राइव ये सब का प्रयोग होता है, उस समय पंच कार्ड का प्रयोग होता था, तो पंच कार्ड को रीड करने के लिए पंच कार्ड रीडर का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये इतने सारे इनपुट डिवाइस है। वैसे ही हम आउटपुट डिवाइस को अगर देखें तो आउटपुट डिवाइस जो है, आउटपुट डिवाइस वो हमको आउटपुट दो पार्ट्स में दे सकता है, या तो वो हमको हार्ड कॉपी देगा या तो वो हमको सॉफ्ट कॉपी देगा। तो हार्ड कॉपी का मतलब क्या है? तो हार्ड कॉपी का मतलब ये है कि हार्ड कॉपी मतलब जैसे प्रिंट लेते हैं हम, तो हार्ड कॉपी मिल गया। सॉफ्ट कॉपी मतलब जिसको हम छू नहीं पाएंगे, देख सकेंगे, है ना, महसूस कर सकेंगे। तो हार्ड कॉपी आउटपुट में आता है प्रिंटर। तो प्रिंटर में याद रखना, प्रिंटर दो तरह के होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर भी डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील होता है, जबकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो है इंकजेट और लेजर होता है। जैसे आपने कलर प्रिंटर देखा होगा, कलर प्रिंटर में इंकजेट प्रयोग होता है, वैसे ही आपने ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर, बड़ा बड़ा प्रिंटर देखा होगा जब आप फोटोकॉपी कराने जाते हैं, वो लेजर प्रिंटर है, याद रखेंगे, है ना। तो ये जो है इसका भी डिटेल, हम प्रिंटर एक चैप्टर है, तो प्रिंटर को उसमें हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप ये जानिए कि प्रिंटर दो तरह के होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर में भी डेजी मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, नॉन इंपैक्ट में इंकजेट और लेजर। वैसे ही प्लॉटर है ना, प्लॉटर क्या होता है? तो प्लॉटर ग्राफ बनाने के लिए प्रयोग होता है ना, ग्राफ बनाने के लिए। तो प्लॉटर भी दो तरह के, ड्रम और फ्लैट बेड, ड्रम और फ्लैट बेड। वैसे सॉफ्ट कॉपी में ऑडियो आउटपुट और वीडियो आउटपुट में हम देखते हैं, ऑडियो में हम क्या देखते हैं? स्पीकर और हेडफोन। हम कुछ भी कंप्यूटर से या मोबाइल से गाना बजाते हैं, देखें स्पीकर से गाना बजने लगता है, वो हमारा रिजल्ट है ना। कोई गाना प्ले कर रहे हैं तो गाना प्ले हो रहा है, हमको सुनाई दे रहा है, वो रिजल्ट मिल रहा है। आउटपुट डिवाइस का काम होता है रिजल्ट देना, इसीलिए स्पीकर और हेडफोन जो हम लगाते हैं, हेडफोन और स्पीकर, ये ऑडियो आउटपुट डिवाइस है। जबकि वीडियो आउटपुट डिवाइस में वीडियो दिखना चाहिए, तो वीडियो किस में दिखेगा? मॉनिटर में दिखेगा, या तो विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल में दिखेगा, या तो स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर में दिखेगा, जो प्रोजेक्ट करते हैं हम उससे दिखेगा। तो इस सब चीजों में जो आपको नहीं पता है, जैसे कोई चीज आपको नहीं पता है तो आप उसको गूगल करके भी देख सकते हैं, क्योंकि देख लेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगा कि विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल कैसा दिखता है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर कैसा दिखता है, प्रोजेक्टर कैसा दिखता है। तो इस तरह से हार्डवेयर जो दो मुख्य भागों मैंने बांटा है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, वो इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं जो आपको यहां दिख रहा है, और आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, ये हमने इस वीडियो में कवर किया है। ह्यूमन डेटा एंट्री सोर्स का मतलब जब कोई इंसान डेटा डाले, और सोर्स डेटा एंट्री सोर्स का मतलब जब किसी सोर्स से डेटा मिले, जैसे कैमरे से डेटा मिल रहा है ना, कैमरे में इंसान जो है कैमरा में डेटा नहीं डाल रहा है, कैमरा क्या कर रहा है, खुद पिक्चर ले रहा है, मतलब किसी सोर्स, कैमरा एक सोर्स बन गया, कैमरा खुद वीडियो बना रहा है, पिक्चर ले रहा है और कंप्यूटर को भेज रहा है। तो इस तरह से सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस का मतलब किसी सोर्स से डेटा आना, और ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइस का मतलब किसी व्यक्ति से डेटा डाला जाना, ठीक है। तो इस तरह से हार्डवेयर को दो भागों में बांटा गया है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।